आज की क्लास में हम व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। आपने जान रखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जावा में तीन टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फॉर और लूप और व्हाइल लूप दोनों का जो आउटपुट होता है बिल्कुल सेम होता है, केवल लिखने का तरीका या सिंटेक्स अलग अलग है, क्योंकि दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। यानी कि हमारे पास काम करने का दो तरीका है, या तो मैं फॉर से करूँ या तो व्हाइल से करूँ। ये सेम उसी तरीके से होता है जैसे हमारे पास दो अलग अलग कंपनियों के मोबाइल है, बट दोनों का जो टास्क होता है वो लगभग सेम होता है। एक सैमसंग का मोबाइल है, एक नोकिया का मोबाइल, सॉरी एक दूसरी कंपनी का मोबाइल है, मान लीजिए MI का मोबाइल है। तो दोनों कंपनियों के जो टास्क हैं या दोनों जो प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट के जो टास्क होते हैं वो सेम होते हैं, बस फंक्शनैलिटी थोड़ी अलग अलग होती है। दोनों का फाइनल जो हमको सर्विस प्रोवाइड करना है वो है कॉलिंग। तो चाहे वो सैमसंग का मोबाइल हो चाहे वो MI का मोबाइल हो, मुझे वो कॉलिंग देगा। फंक्शनैलिटी और लिखने, उसको यूज़ करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। सेम वैसे ही अगर मुझे सेम ये सीरीज 50 से लेकर के 5 तक की सीरीज व्हाइल लूप में प्रिंट करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल सीरीज लिखता हूँ, 1 लिखा और यहाँ पर 10 लिखा, यानी कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और एंडिंग पॉइंट है 10, और इनके बीच में मैं 1 1 का गैप लाना चाहता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर को बताया कि आप एक सीरीज प्रिंट करिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1, जिसका एंडिंग पॉइंट है 10, और हर स्टेप के बाद 1 1 का गैप होता है। तो ये 1 1 के गैप को, अगर 1 का गैप होता है तो इसको I+1 के बदले I++ लिख देते हैं। I++ का मतलब ही होता है I=I+1, यानी कि 1 का गैप। तो आप ऐसा लिखिए या फिर आप ऐसा लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है। क्लियर? ठीक है, तो पहले मैं फॉर लूप को चला करके दिखाता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो फॉर लूप को हम चलाते हैं, मैं पहले CLS करता हूँ और जावा सी करूँगा मैं day6.java। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं जावा day6 लिख रहा हूँ तो ये फॉर लूप चलेगा और 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को यही बताया है कि 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज प्रिंट करो, 1 से 10 तक, और एक एक का गैप दो। तो मैंने कंप्यूटर को जो बोला, कंप्यूटर ने वो सेम चीज़ हमारे लिए कर दी, लेकिन मैंने इसके लिए फॉर लूप का यूज़ किया। सेम चीज़ को वाइल लूप में कैसे करेंगे देखते हैं। मेरा जो आउटपुट है मुझे सेम यही चाहिए, लेकिन मैं वाइल लूप में का यूज करना चाहता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप में तीन चेंजेस करने होते हैं। अगर आपको फॉर लूप पता होता है तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। जो फॉर्मूला अभी मैं लिखने वाला हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। ये फॉर का फॉर्मूला है, इसको कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। तीन हिस्से में डिवाइड करेंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है स्टार्टिंग के लिए, सेकंड पॉइंट जो होता है वो एंडिंग के लिए, और थर्ड पॉइंट जो होता है वो गैप के लिए। तो अगर मैं फॉर का फॉर्मूला बोलूं तो ये होता है स्टार्टिंग, एंडिंग, गैप। यानी कि एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है, पहले स्टार्ट, एंड और गैप, और तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ये फॉर का फॉर्मूला होता है। जबकि व्हाइल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, स्टार्टिंग, एंडिंग और गैप। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन का फ्लो जो है वो सेम है, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, स्टार्टिंग, एंडिंग, गैप। इसमें भी एग्जीक्यूशन का फ्लो सेम है, स्टार्टिंग, एंडिंग, गैप, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हुआ है, बट लाइन्स चेंज हो गई है। यहाँ तीनों एक ही लाइन पर है, यहाँ पर तीनों अलग अलग लाइन पर है। एंडिंग वाला अपनी जगह पर है, स्टार्टिंग वाला उठ करके यहाँ आ गया है, ऊपर में यहाँ आ गया, और गैप वाला जो है उठ करके यहाँ आ गया है नीचे। क्लियर है? तो सीक्वेंस तो चेंज है, बस थोड़ा सा उनकी
लाइंस की पोजीशन में चेंज कर दिया गया है। तो देखिए इस फॉर लूप को मैं वाइल लूप में कैसे बदलूंगा, सिर्फ तीन चेंजेस करने हैं हमको। फॉर मिटाया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे वाइल, पहला चेंज। फॉर मिटा के क्या लिखेंगे, वाइल। फॉर्मूला के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट उठा करके मैं रखूंगा यहाँ पर, यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, जबकि एंडिंग पॉइंट जो है ये वाला, ये चला जाएगा नीचे। ध्यान देना है कहाँ पर जाएगा, हमेशा ये वाला जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसके जस्ट ऊपर में। यहाँ पर तो फिलहाल एक ही लाइन का कोड था तो सेकेंड लाइन में आ गया, अगर पांच लाइन का कोड होता तो फिर सिक्स्थ लाइन में आता। ये सेमी कोलन भी आएगा यहाँ पर, सेमी कोलन यहाँ करते हैं और ये, तो देखिए ये हमारा वाइल लूप बन गया। इसका आउटपुट सेम वही है, स्टार्टिंग पॉइंट है 1, एंडिंग पॉइंट है 10 और बीच में गैप है ये, और बीच में काम क्या करना है उसको कभी चेंज नहीं करना होता है। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका आउटपुट आएगा, फॉर लूप से कैसे मैंने वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए इसको सेव करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ। कंपाइल किया, रन किया, देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है जबकि ये वाइल लूप चल रहा है आपका। वाइल लूप में क्या किया गया है, सेम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट उठा के यहाँ रखा गया और एंडिंग पॉइंट उठा करके यहाँ रख दिया गया। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी फॉर लूप को हम वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप फॉर लूप आपको बनाने आ गया है, सिर्फ आपको तीन चेंजेस करने हैं। फॉर मिटा के वाइल लिखना है पहला चेंजेस, दूसरा स्टार्टिंग वाले को ऊपर ले जाना है, तीसरा एंडिंग वाले को नीचे ले जाना है। सिर्फ ये तीन चेंज करिए, कोई भी फॉर लूप वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने फॉर लूप वाइल लूप को भी समझा।